सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आप देख रहे हैं ऑटो एक्सपर्ट सोलंकी की एक और नए वीडियो। सो आज की जो कार है वो रहने वाली है बलेनो सुजुकी का जो है मॉडल है, और काफ़ी अच्छी कार है। ब्लैक कलर में जो है आपको कार देखने को मिलेगी। म्यूजिक सिस्टम एकदम फाड़ू है, काफ़ी अच्छा म्यूजिक सिस्टम है। वोकल्स बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। बेस का जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा आने वाला है। तो चलिए वीडियो को जो है इन्जॉय करना। सो मिलता हूँ आपको एंड में। तो चलिए वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। सो आज की जो गाड़ी है वो ये रहने वाली है। सो आपने लोगो देख के पता लगा दिया होगा ये कौन सी है। ये है ऑल न्यू सुजुकी की बलेनो। सो कुछ इस तरह से इसके साइड के प्रोफाइल का लुक आपको देखने को मिलेगा अगर हम इसकी आगे से बात करेंगे। सो आगे से कुछ इस प्रकार की गाड़ी लगती है। हेडलैम्प्स काफ़ी बड़े साइज में आपको दिए गए हैं जो कि एक अच्छा रिस्पांस प्रोवाइड कराती है आपको नाइट के अंदर। और ये जो हेलोजन लाइट्स भी है आपको इस अंदर मिलेगी। आप आफ्टर मार्केट जाके जो है HID वगैरह लगा सकते हैं इसके अंदर। ये जो है आपके हेलोजन बल्ब्स मिलेंगे इंडिकेटर में। फॉग लैम्प के लिए यह आपको ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आप कटिंग करा के जो फॉग लैम्प्स या फिर आप IPS के प्रोजेक्टर वगैरह लगा सकते हैं। तो बीच की ग्रिल की बात करेंगे, यहाँ पर आपको क्रोम क्रीट मिलता है। बीच में आपको बड़ा सा सुजुकी का जो लोगो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको नंबर प्लेट का ऑप्शन दिया गया है। नीचे आपको तो स्पेसिंग मिल जाएगी जो कि आप एक अलग सी ग्रिल लगा सकते हैं आफ्टर मार्केट जाके। सो ये पूरी स्टॉक गाड़ी है जो आप देख रहे हैं। सो कुछ इस प्रकार से इसके लुक आती है कार की। और अगर हम बात करते हैं इसके ORVM की तो काफ़ी अच्छे और बड़ी कलर में आपको ORVM देखने को मिलेंगे। सो ऑटो एडजस्ट ऑटो फोल्ड वाले ORVM आपको देखने को मिलेंगे इस कार के अंदर। सो कुछ इस प्रकार से इसका लुक है। डोर वाइजर आप इधर लगवा सकते हैं जो कि आपको रेन में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। यहाँ पर आपके बॉडी कलर में आपको डोर हैंडल्स दिए गए। सेंटर लॉकिंग आपको कार के अंदर मिलती है। पीछे से कुछ लुक इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। सो आप ये जो लुक है वो देख सकते हैं। यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा पीछे की तरफ। इधर आपको बलेनो का ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी। तो पीछे का हेडलाइट्स का लुक है वो पूरी LED और इंडिकेटर्स और रिवर्स लाइट में आपको हेलोजन बल्ब्स मिलते हैं। बम्पर की अगर बात करेंगे तो बॉडी कलर में आपको बम्पर मिलता है इस वाले मॉडल के अंदर। इधर आपके रिवर्स पार्किंग सेंसर्स लग जाते हैं। आप चाहे तो इधर कैमरा लगवा सकते हैं कार के अंदर। सो कुछ इस प्रकार से इसके बैक का लुक मिलता है। आपको डीफॉगर वगैरह मिलता है कार के अंदर रियर वाइपर के साथ। इधर नेक्सा की ब्रांडिंग की गई है। इधर आप जो एंटीना आप देख सकते हैं, इधर आप शार्क फिन एंटीना भी लगा सकते हैं आफ्टर मार्केट जाके। सो लुक है कुछ गाड़ी का इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको पेट्रोल वेरिएंट आप जो है देख रहे हैं। अगर हम टायर की बात करेंगे इसमें आपको काफ़ी बड़े साइज का टायर आपको देखने को मिलेगा। सो ये है आपका 15 इंच का रेडियल टायर। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी पूरी स्पेसिफिकेशन। रेडियल टायर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप चाहे तो आप कंपनी से अलॉय व्हील्स ले सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। ये पूरे जो डोर हैंडल्स आपको बड़े कलर में देखने को मिलेंगे। पीछे एक स्पॉयलर भी लगाया गया है जो कि कंपनी से आता है, एक अच्छा सा लुक प्रोवाइड कराता है। इधर हाई माउंटेड स्टॉप लाइट आपको देखने को मिलेगी। तो काफ़ी अच्छा लुक आपको बलेनो में देखने को मिलेगा। तो चलिए इंटीरियर की तरफ चलते हैं। और अगर हम बात करते हैं इसकी की की, आपको सेंट्रल लॉकिंग के साथ आपको की देखने को मिलेगी। इसमें आपको लॉक अनलॉक का ऑप्शन आपको दिया गया है। इसमें आपको बूट ओपनिंग का कोई ऑप्शन कार के अंदर नहीं मिलता, नॉर्मल सी की आपको मिलती है। अगर आप आफ्टर मार्केट जाते हैं तो आप फ्लिप की जो है ले सकते हैं कार के अंदर। सो कुछ इस तरह से आपको इंटीरियर देखने को मिलेगा। तो आप पहले इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की बात करें तो काफ़ी अच्छा इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर आपको मिलेगा।
मैं इसको चालू करके बताता हूँ। तो इधर आपको एक आरपीएम डिमीटर देखने को मिलेगा, नीचे आपके जो है टेम्परेचर का दिया गया है, बीच में आपको छोटी सी एमआईडी देखने को मिलेगी जो कि आपको सारी डिटेल बताती है कार की। इधर आपका स्पीडोमीटर दिया गया है, पूरा एनालॉग सिस्टम आपको अंदर देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करते हैं फ्यूल गेज की, तो यहाँ पर आपको फ्यूल गेज देखने को मिलेगा, 220 की टोटल स्पीड दी गई है और काफ़ी अच्छा लुक है, प्रीमियम लुक आता है कार का। अगर हम बात करेंगे इसके म्यूजिक सिस्टम की, तो आपको इसके अंदर 4 स्पीकर्स मिलते हैं। सो म्यूजिक सिस्टम की स्पेसिफिकेशन है, और ब्लूटूथ और पेन ड्राइव का ऑप्शन आपको इस कार के अंदर मिलता है, बीच में आपको हेजर लाइट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा लुक है म्यूजिक सिस्टम का, और काफ़ी अच्छा जो है इसका साउंड का आउटपुट आता है। इधर आप सीडी भी इंसर्ट कर सकते हैं। सिल्वर फिनिश के साथ आपको एसी वेंट्स देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर कुछ आपको सारे स्टीरियो से रिलेटेड बटन्स आपको देखने को मिलेंगे। नीचे की तरफ आपको जो है एक ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको कार में देखने को मिलेगा, बीच में एक स्क्रीन है जिसके अंदर आप अपना टेम्परेचर वगैरह सेट कर सकते हैं, आप इधर फैन की स्पीड वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हैं, मोड भी आप चेंज कर सकते हैं कौन सा मोड जो है आपको चाहिए कार के अंदर। नीचे की तरफ आप ऑक्स और जो है प्लेसमेंट देख सकते हैं पेन ड्राइव की। इस साइड में जो है आपको 12 वोल्ट का चार्जर आपको देखने को मिलेगा। इधर आपको थोड़ी सी स्पेसिंग मिल जाएगी, इस तरफ भी आपको थोड़ी सी स्पेसिंग मिल जाएगी 1 लीटर की बोतल रखने के लिए। गियर जो है आपको 5 स्पीड का मिलेगा विद रिवर्स। सो इसमें जो है आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलता है कार के अंदर, और जो है आप हैंड ब्रेक का लुक है कुछ इस प्रकार आप देख सकते हैं। अगर हम इस डोर पैड की बात करेंगे, तो इसमें आपको सारी जो विंडो है आपको मिलेगी, पावर विंडो, लॉक अनलॉक का ऑप्शन भी आपको इसमें मिलेगा, ORVM एडजस्ट करने का जो ऑप्शन है वो भी आपको इसमें दिखा गया है, लेफ्ट राइट के जो ORVM है आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, ऑटो फोल्ड वाले ORVM आपको देखने को मिलेंगे कार के अंदर। टोटल 4 स्पीकर्स आपको देखने को मिलेंगे। इधर एक लेदर स्टीरेज वाला दिया गया है ऑप्शन, इधर आप लेदर लगवा के जो है कार का परफॉर्मेंस और इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फिनिश मिलेगी सिल्वर की। सो आप यहाँ जो है ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पर बीम एडजस्टमेंट का जो ऑप्शन है आपको देखने को मिलेगा। स्टेयरिंग कवर की बात करेंगे हम, सो यहाँ पर आपको स्टेयरिंग कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा, राउंड स्टेयरिंग है, और इसमें जो आपको स्टेयरिंग माउंटेड बटन्स मिलेंगे। इधर आपके ब्लूटूथ और हैंग अप पिकअप करने का जो ऑप्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। कार के अंदर आपको 4 एयरबैग्स मिलते हैं, जो कि एक सेफ्टी वाइज अच्छा फीचर है। ORVM की अगर हम बात करेंगे, तो ORVM में जो आपको ऑप्शन मिलता है ऑटो डिम का ऑप्शन जो है आपको नहीं मिलने वाला, इसको आपको मैन्युअली जो है एडजस्ट करना पड़ेगा। सो हम पैसेंजर साइड पे चलते हैं, पैसेंजर साइड में आ चुके हैं। सो यहाँ आपको एक पावर विंडो का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी आपको कपड़े का जो सॉफ्ट टच वाला कपड़े होता है उसका जो है फील आपको इस कार के अंदर देखने को मिलेगा। इधर भी आपको स्पीकर्स मिल जाएंगे, 4 स्पीकर्स में टोटल है कार के अंदर। इधर 2 पॉकेट्स मिलेगी, थोड़ा सा स्पेस मिलेगा, यहाँ पर आप अपनी 1 लीटर की बोतल वगैरह रख सकते हैं। सो कुछ इस प्रकार का इसका पैसेंजर साइड का लुक है। इसमें आपको सिल्वर फिनिश के साथ एसी वेंट्स दिए गए, नीचे में आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा जो कि अच्छा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। हम पीछे के साइड में आ गए, इसमें आपको जो है यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिश के साथ आपको जो है डोर हैंडल्स मिलेंगे, और जो है आपको यहाँ पर पावर विंडो का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर थोड़ी सी स्पेसिंग मिल जाएगी, यहाँ पर 1 लीटर की आप बोतल इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको 4 जो है स्पीकर का ऑप्शन मिल जाएगा कार के अंदर। इधर भी आपको जो है सेम फीचर्स मिलने वाले हैं। एक पीछे की बात मेरे को अच्छी लगी, यहाँ पर भी आपको जो है 12 वोल्ट का चार्जर का पॉइंट दिया गया है, और कुछ इस प्रकार से इसके सीट का रिस्पॉन्स है। ये आपको कंपनी से नहीं मिलती, ये आपको आफ्टर मार्केट जाके लगवानी पड़ती है। तो कुछ इस प्रकार के लेदर सीट का रिस्पॉन्स जो है आप देख सकते हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है आपको देखने को मिलेंगे कार के अंदर। पीछे की तरफ आपको पार्सल ट्रे मिलती है, और अगर हम बूट की बात करेंगे, तो यहाँ आपको एक पार्सल ट्रे का ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ पर एक ट्रे के लिए ऑप्शन दिया गया है। बूट स्पेस काफ़ी यूज आपको दिया गया है, सो काफ़ी सारा सामान जो है आप इसके अंदर लगवा सकते हैं। और सो कुछ इस प्रकार से आपको बूट स्पेस देखने को मिलेगा। आपको बूट लाइट आपको कार के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। पीछे की तरफ आपको स्टेपनी व्हील
देखने को मिल गया होगा विथ ऑल द रिक्वायरमेंट्स। तो कुछ इस प्रकार से आपको बूट देखने को मिलेगा। तो चलिए म्यूजिक सिस्टम का आउटपुट सुनते हैं और वीडियो का एंड करते हैं। तो विद दिस सेड गाइज, अब टाइम आ गया वीडियो को एंड करने का। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो म्यूजिक सिस्टम का आउटपुट है वो भी आपको एक पंजाबी सॉन्ग के ऊपर सुनने को जो है इंस्टाग्राम पर मिलेगा। सो चलिए वीडियो को जो है एंड करते हैं। सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड